नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस समय हम फरुखाबाद के पांचाल घाट तट से गंगा में बाढ़ का अपडेट इस समय आपको हम लाइव दे रहे हैं। और तस्वीरें आप इस समय देख रहे होंगे फरुखाबाद के पांचाल घाट तट से, जहां हम आपको गंगा नदी का मीटर गेज दिखा रहे हैं, जो 137 के तकरीबन पहुँचने वाला है। बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 लाख क्यूसेक गंगा नदी में पानी छोड़ा गया है, जो कि 24 से 48 घंटे तक फरुखाबाद पहुंच जाएगा, जिसके बाद जो है जलस्तर बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। आप देख रहे होंगे इस समय हम लाइव है ना, एक्सक्लूसिव विजुअल फरुखाबाद के पांचाल घाट तट से हम आपको दिखा रहे हैं। और 137 मीटर जो है मीटर गेज जो है वो वहाँ पर पहुँचने वाली है गंगा नदी। तकरीबन 1 मीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर का है, ये कुछ कम दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपको हम थोड़ा जूम करके इस समय तस्वीरों में दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। ये देखिए, तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक जो है पानी वो छोड़ा गया है अभी गंगा नदी में। तो 24 से 48 घंटे के आसपास लगभग जो है जलस्तर यहाँ पर बढ़ सकता है। हालांकि जो है फरुखाबाद जिला प्रशासन की तैयारियों की अगर बात करें तो ना तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, और तैयारियों के लिए बाढ़ राहत केंद्र बनाए गए हैं, बाढ़ शिविर बनाए गए हैं, चौकियां बनाई गई हैं बाढ़ को लेकर, जिनके बाद पूरी तैयारियां हैं। हालांकि अभी जलस्तर जो है वो अभी हमारी अभी यहाँ पर जो लोग थे उनसे बात हुई थी, तो वो कह रहे हैं कि जलस्तर जो है आज सुबह से कुछ जलस्तर जो है बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। अभी की जो अपडेट है, तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक पानी जो है कल छोड़ा गया था, जो धीरे धीरे फरुखाबाद पहुंचना शुरू हो गया है, और यहाँ तक तकरीबन पानी जो है आज से कल तक पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इस समय आप लाइव है ना एक्सक्लूसिव विजुअल फरुखाबाद के पांचाल घाट तट से दे रहे हैं। जन्माष्टमी का आज त्यौहार है, पावन त्यौहार जन्माष्टमी का है। सभी को जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी के। और फरुखाबाद के आज पांचाल घाट तट से तकरीबन 3 से 4 दिनों के बाद हम आज आपको बाढ़ का अपडेट देते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। जो लोग हमारे साथ में जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कमेंट के माध्यम से कोई सवाल हमसे अगर पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट के माध्यम से सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। ताज़ा अपडेट इस समय हम आपको फरुखाबाद के पांचाल घाट पुल के नीचे से इस समय मीटर गेज के माध्यम से दिखा रहे हैं कि अभी तकरीबन क्या स्थिति है। और पूरा पैन करके अगर पूरा कैमरा हम आपको दिखाएं तो इस समय हवा जो है ना यहाँ पर बहुत तेज चल रही है। ये देखिए पूरा जो है आप जब इस समय फरुखाबाद के पांचाल घाट तट से देखो, हवा का जो फ्लो है वो बहुत तेज है, यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल सा दिखाई दे रहा है। और आज जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो उस त्यौहार पर आपको बताएं तो यहाँ पर देखिए सन्नाटा एकदम से घाटों पर पसरा हुआ है, और जो पूजा स्नान और जो करने वाले लोग हैं वो आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि नाव जो है वो एकदम से खाली है। आज कोई भी भक्तगण, दोपहर का टाइम है तो नहीं कोई दिखाई दे रहा है, लेकिन हम आपको विजुअल इस समय फरुखाबाद के पांचाल घाट तट से दिखा रहे हैं। आप लाइव विजुअल से समय गंगा नदी के देख रहे हैं और यहाँ से दर्शन भी कर पा रहे होंगे। सारी नाव जो है वो यहाँ पर खाली खड़ी है। बात कर रहे थे हम लोग बाढ़ की स्थिति। सुरभि मिश्रा जी पूछ रही हैं बाढ़ की क्या स्थिति है। बाढ़ की स्थिति जो है अभी नॉर्मल एक तरह से कह सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। 1.5 लाख क्यूसेक पानी अभी छोड़ा गया है, तो वो जो है आज से कल तक पहुंचने लगेगा। हालांकि जो लोग यहां पर थे वो कह रहे हैं कि सुबह से जो है पानी में कुछ बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और भी लोग अगर जो हमारे साथ में जुड़े हैं, जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं वो कमेंट के माध्यम से हमसे सवाल जरूर पूछें। हम उनके जो है उनके सवालों का इंतजार कर रहे हैं, और जवाब जो है पूरा प्रयास करेंगे उनके सवालों का जवाब भी दिया जाए। इस समय हम लोग बाढ़ की बात कर रहे थे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लें जल्दी जल्दी। जो लोग और लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं लगातार हमारे पास कि भैया जब आप लाइव किया करें तो एक बार फ़ोन कर दिया करें। तो जो लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। इधर पुल के नीचे से एक बार हम आपको फ्लो दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो जल का जो फ्लो है वो कितना तेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, थैंक यू वेरी मच सुरभि मिश्रा जी, नाइस रिपोर्ट, थैंक यू। ये देखिए लाइव विजुअल इस समय हम आपको फरुखाबाद के पांचाल घाट तट से इस समय दिखा रहे हैं। लाइव विजुअल इस समय आप देख रहे हैं कि किस तरह से गंगा नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है। और ये मीटर गेज आपके लोगों के सामने रहा,
कि मीटर गेज की क्या स्थिति है। 137 के तकरीबन पहुंच रही है, तो पहाड़ों पर जिस तरह से बारिश हो रही है, बारिश के बाद जो पहाड़ों से इसमें जो पानी जो है वहां से छोड़ा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में आके जो है अपना असर दिखाता है। इस समय साफ तौर पर असर आप देख रहे होंगे कि इस समय हम लाइव के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि गंगा नदी के दूसरी तरफ ये देखिए, उधर जो है जो गंगा नदी के उस पार से जो लोग आते हैं डेड बॉडी लेके, उनको जो है अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाता है। ये हम आपको लाइव दिखा रहे हैं इस समय, ये देखिए पूरी लाइव विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग हमारे साथ में जुड़े हैं वीडियो को शेयर जरूर कर दें एक बार, ताकि और भी लोगों के पास वीडियोज पहुंच सके और हमारे साथ में लोग लाइव के माध्यम से जुड़ सके। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर पूरा स्पेशल, ये यहाँ पर गंगा आरती पहले होती थी तकरीबन आज 1 से 1.5 माह पहले, ये जो यहाँ पर स्टील की रेलिंग लगी यहाँ पर गंगा आरती होती थी, लेकिन जो है अभी बाढ़ गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण जो है यहाँ पर अभी यहाँ पर नहीं हो पा रही है आरती जो है। दुर्वासा ऋषि आश्रम की अपडेट ये है कि अभी यहाँ पर आश्रम के अंदर जल नहीं पहुँचा है, लेकिन आसपास जो है ना वो जल पहुँच गया है, आश्रम के आसपास जल पहुंच गया है लेकिन अंदर अभी नहीं पहुंचा है जल। दुर्वासा ऋषि आश्रम फरुखाबाद के दुर्वासा ऋषि आश्रम की अपडेट इसमें आपको बता रहे हैं, सवाल पूछ रही हैं हमसे दुर्वासा ऋषि आश्रम की अपडेट। अपडेट ताज़ा अपडेट ये है, आसपास जो है वो पानी पहुंचा है लेकिन अंदर अभी पूरी तरह से नहीं गया है। लाइव के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच संजीव भाई। संजीव भाई कह रहे हैं बाढ़ की अपडेट देने के लिए धन्यवाद। संजीव भाई बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक करना ना भूलें संजीव भाई, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें संजीव भाई। उसके बाद रजत वर्मा जी कह रहे हैं कितना है भाई 137, भाई आपको लगातार मैं दिखा रहा हूँ इस समय। रजत जी आप देखिए, मैं एक बार जूम करके आपको दिखाऊँ, 137 जो है वो पहुँचा है अभी इस जलस्तर, तो ये बढ़ सकता है। लोग सुबह जो अभी यहाँ पर मौजूद थे जो लोग, वो कह रहे हैं कि सुबह से कुछ जलस्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, तो 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। निश्चित तौर पर जलस्तर में बढ़ोतरी तो होनी होनी है और वो बढ़ेगा भी। गुड आफ्टरनून संजीव मिश्रा जी कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून भाई। और सभी लोग जो हमारे साथ में जुड़े हैं वो कमेंट के माध्यम से हमसे सवाल पूछ सकते हैं, पूरा प्रयास करेंगे उनके सवालों का जवाब दिया जाए। और लाइव विजुअल इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट के माध्यम से अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो सवाल पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें आप लोग। ये देखिए नाव, रजत जी तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और वो जो है आज से कल तक पहुंच जाएगा। हालांकि जितना पानी वहां से छोड़ा जा रहा है उतना आगे डाइवर्ट भी हो रहा है, मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है पानी, तो कोई बहुत ज़्यादा असर मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा असर कोई होने वाला है यहाँ पर, कोई असर नहीं होने वाला है क्योंकि रुक रुक के पानी छोड़ा जा रहा है ऊपर से। 137 से नीचे है जलस्तर, तो आई थिंक मैं सोचता हूँ कि 137 पहुँच भी सकता है और नहीं भी पहुँच सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं। वीडियो को लाइक सभी लोग कर दें, आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लाइक कर दें, और वीडियो कमेंट के माध्यम से अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे सवाल जरूर पूछें, हम आपके सवालों का इंतजार कर रहे हैं। लाइव देखिए यहाँ पर गंगा नदी में, राधे राधे जय सिंह भाई आ गए हैं हमारे साथ में इस समय जुड़े हैं, राधे राधे बोले, राधे राधे भाई। ये देखिए गंगा नदी, थैंक यू रजत भाई थैंक यू, वीडियो शेयर कर दें सभी लोग, हम प्रयास कर रहे हैं आपको यहाँ से दिखाने का। ये हवा का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है, तो
कैमरे को रोक पाना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है, क्योंकि ये भी डर लगा रहता है कि कहीं कैमरा हाथ से छूट के गंगा नदी में ना गिर जाए। ये बच्चे देखिए यहाँ पर खेल कर रहे हैं नाव में। तपन सिंह भाई हाय हाय, हेलो हेलो हेलो। अनुज भाई राधे 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 राधे, सभी लोग राधे राधे, सभी लोगों को जो हमारे साथ में जुड़े हैं राधे राधे सभी लोगों को। आज जन्माष्टमी का पावन त्योहार है, वो सभी लोगों को राधे राधे। ये आप जलस्तर यहाँ से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, 137 के तकरीबन पहुंचा है ये। भाई सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। दीप जी 137 प्लस हुआ था लास्ट ईयर, क्योंकि जिस तरह से हम लोग बाढ़ की कवरेज कर रहे थे तो 137 जो है ना। अमित जी अभी ये नहीं कह सकते हैं, जिस हिसाब से पहाड़ों पर बारिश हो रही है उस हिसाब से लगातार थोड़ा बहुत जो ऊपर से पानी है वो छोड़ दिया जाता है। जब ओवरफ्लो बांध में रहता है तब वो छोड़ दिया जाता है। कल 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, ये हमारी जो रिपोर्ट है इसमें हम बता रहे हैं आपको। तो आज से कल तक, कल से आज तक पानी पहुंच जाना चाहिए। लाइव वीडियो आप देख रहे हैं इस समय। गंगा नदी के लाइव हम आपको एक्सक्लूसिव दर्शन भी करा रहे हैं सभी लोगों को। और आज पावन जन्माष्टमी का त्यौहार है तो सभी लोगों को राधे राधे बोलना चाहूँगा। और लाइव वीडियो इस समय देखिए गंगा नदी में हम आपको दिखा रहे हैं इस समय। ये छोटे छोटे बच्चे जो है वो गंगा नदी में पैसे गिनने का काम करते हैं। देखिए चुंबक डालते हैं और उसके बाद जो है ये यहाँ से पैसे गिनते हैं। बाढ़ की हम लोग बात कर रहे थे, जल स्तर, जल का जो धार है ना वो इतनी तेज, मौके पर जब आप सामने रहेंगे तो देखेंगे कि वो इतनी तेज है कि ये देखिए कितनी तेज है ना। ये बच्चे अभी थोड़ी देर पहले जवाब दे रहे थे कि बताओ, लोग आपस में कह रहे थे अगर बताओ कूदना चाहो तो यहाँ से कूद सकते हो, तो इतनी इतनी तेज पानी में जरा जरा से बच्चे कूदने का भी प्रयास कर रहे थे। हालांकि हम नहीं कहेंगे इनसे कि आप कूद जाओ, बड़ा रिस्की काम है यहाँ पे, छोटे बच्चे हैं। हालांकि जूम करके आपको यहाँ से पानी का फ्लो दिखाते हैं कितना तेज है। शायद ही कोई इतना तेज पानी में कोई तैर सकता है, लेकिन बहुत तेज पानी का फ्लो है यहाँ पर, देखिए आप। गाइड दिखा रहे हैं इसमें नाव की एक अपडेट और आपको दे दें, क्योंकि आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, इस वजह से आज श्रद्धालु इतने ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि दिन के 12 बज रहे हैं तो श्रद्धालु भी नहीं। नाव ऐसी खड़ी हुई है यहाँ पर, ये घाट पर आपको हम दिखाएंगे। देखो बिल्कुल सन्नाटा सा है एकदम से। ये त्यौहार का दिन है आज तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पर। ये देखिए बिल्कुल एक तरह से सन्नाटा सा है, लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और एकदम से सन्नाटा है। अब चूँकि आज त्यौहार का दिन है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं है इस समय। सारी नाव जो है वो इस समय खाली है। जय श्री कृष्णा। ये देखिए हम आपको इस समय दिखा रहे हैं पांचाल घाट से आपको जलस्तर का अपडेट दे रहे हैं इस समय, 137 है। सभी लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें, भाई लोगों लाइक ज़रूर करें वीडियो। और हम आपको लाइक इस समय अपडेट
दे रहे हैं फरुखाबाद के पांचाल घाट तट से, इसमें गंगा नदी का क्या अपडेट है, और दूसरी तरफ दर्शन भी करा रहे हैं गंगा जी के आपको हम यहाँ से लाइव विजुअल आप देखेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों से जाते जाते एक बार कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शेयर जरूर करें वीडियो, जिससे और भी लोगों के पास हमारी वीडियो पहुंच सके। आपसे बार बार हम यही कहते हैं कि वीडियो को हमारी लाइक जरूर करें, उस पर कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। इतना ही सहयोग आप लोगों का हमको जो है एकदम से एनर्जी जो है वो देता है। वो हम बार बार आपसे यही कहते हैं कि वीडियो को हमारे लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। जो लोग हमारे साथ में जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you.